गाड़ी ऐसे हिलाते हो ना, तो देखने का तरीका है, जब आप गाड़ी यूँ हिलाओगे, ये देखो इंडिकेट करता है। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं सारे मेरे यूट्यूब की फैमिली, कैसी है सारी की सारी? आई होप यू और सारे सेफ होंगे। और अपडेट ये है गाइस कि जब आपका बाइक का जो राइडिंग क्वालिटी है, स्मूथनेस धीरे धीरे जाती रहे, मतलब आपको लगे कि वो स्मूथनेस अभी राइडिंग में नज़र नहीं आ रही है, राइडिंग का बातचीत ना आए, तब समझ लो बाइक की सर्विस करानी ज़रूरी है और बाइक मांग रही है सर्विस। हमारी भी बाइक के साथ कुछ ऐसा ही है, अभी देखो बाइक सर्विस मांग रही है क्योंकि राइडिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है और बाकी कोऑर्डिनेशन, गियर कोऑर्डिनेशन और चला के खुद पता लग जाता है कि सर्विस मांग रही है बाइक। तो अभी चलते हैं, अपडेट ये है कि अभी मैं निकल चुका हूँ घर से निकल चुका हूँ, सेंट्रम पिस्टन वर्कशॉप जा रहा हूँ और वहाँ पर बाइक को दूँगा सर्विस पे। फ़िलहाल मैंने काफ़ी बात कर ली है फ़ोन पे, मैंने बात कर ली है कि किस तरह से वो सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो हर जगह हर चीज़ का ना माहौल बदल चुका है, तो और काम करने का ना जो है तरीके वो भी बदल चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि सेफली काम हो रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ये वर्कशॉप देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। काफ़ी लोग मुझे ये बता रहे हैं, वर्कशॉप वालों ने बताया कि वहाँ पर जो लॉन्च है उन्होंने बंद कर दिया है, सर्विस स्टेशन पर जो लॉन्च होते थे, जहाँ पर ठहरते थे हम, जब सर्विस होते हुए देख लेते थे, जब तक सर्विस होती थी बाइक तब तक वहाँ पे रुकते थे, टीवी से भी देखते थे, चाय कॉफ़ी पीते थे, वो लॉन्च अभी बंद कर दिया है। बट ऑब्वियस यार बंद करना भी चाहिए क्योंकि अभी देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वो चीज़ें पहले ऐसी रही नहीं है। फेस कवर कर चुके हैं, मास्क लगा चुके हैं, तो बाहर ही बाइक लगा रखे हैं इन्होंने। दो बजे अभी क्या टाइम हो रहा है फिर? चलिए लंच हो रहा है 2 बजे। हाँ जी भैया, कहाँ पे हो? अच्छा, मैं तो वर्कशॉप पे आया था, सर्विस के लिए देने आया था बाइक। हाँ 2 बजे कह रहे हैं, 2 बजे कह रहे हैं, जस्ट अभी पहुँचा ना, मैं थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली लंच टाइम हो रहा है, तो हमने सोचा कि शोरूम जाके कुछ लोगों से मिल लेते हैं, शोरूम में काफ़ी टाइम हो गया मेरे को गए हुए, तो चलिए फिर शोरूम चलता हूँ और 15-20 मिनट का टाइम शायद और लगेगा लंच टाइम ओवर होने में, तब तक शायद बात बन जाए ना पड़ेगा। बाहर इन्होंने एक तिरपाल सी लगा दी है, वहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। तो भैया और बढ़िया, सर्विसिंग कब लोग कर रहे हैं? गर्मी ज़्यादा करवा रखी है, और 4-5 गाड़ी और लगी थी उधर में गया था वर्कशॉप। ये ना आपकी शोरूम में एक दो लोग थे, उनसे मिल लिया है, बाकी अब बच गए हैं 2 और चलते हैं सर्विस स्टेशन की ओर और करा देते हैं सर्विस। निकाल रहे हो आप? सबसे बढ़िया सर्विस सेंटर यही लगता है मेरे को, हमेशा यहीं आता हूँ इसीलिए। सेटअप कितने का सर्विस किसका? ये जो सेटअप आप लगा, ये 28,000 रुपये का कैमरा है और ये 4,000 रुपये का अडेप्टर है, 1,000 रुपये का माइक है। सर्विस स्टेशन पहुँचे कल, सर्विस स्टेशन में जैसे हम लोग पहुँचे काफ़ी गाड़ियाँ पहले से ही खड़ी थी काफ़ी सारी, तो उस बीच ऐसा हुआ कि हमने 1.5 घंटा वेट भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल हमें टाइम नहीं दिया गया क्योंकि तो प्रोसेस देखो अब स्लो इसलिए हो गया कि लोग कम आ रहे हैं और सर्विस प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ हो रही है, एक एक गाड़ी अंदर जा रही है, एक एक सर्विस, समझ सकते हैं इस बात को।
लेकिन दिक्कत यह है कि मेरी गाड़ी चल चुकी है अभी 17,000 से ऊपर, और मैंने जो लास्ट सर्विस कराया था वो आराम से भाई लास्ट सर्विस मैंने कराया था वो ऑलमोस्ट 14,000 पर मैंने लास्ट सर्विस कराया था। और दिक्कत ये है कि सर्विस का पूरा एकदम प्रॉपर कराने का टाइम हो गया है, और दिक्कत ये आ रही है मुझे कि कल सर्विस नहीं हुई, अब मुझे एनी हाउ आज सर्विस कराना ही कराना है, क्योंकि आज और कल मेरी छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि सर्विस बाहर कराते हैं, एक चांस लेते हैं। बुलेट का ही काम ही है हमारा, वो तो पता है मुझे। तो नॉर्मल सर्विस करनी है, मेजर तो कुछ नहीं है ना। नॉर्मल सर्विस करनी है इसकी, नॉर्मल सर्विस सामान समेत खर्चा आएगा आपका 1,250 रुपये का, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, सर्विस चार्ज सब कुछ, लेबर भी मिला के उसमें। इंजन का इंजन ऑयल होगा, रॉयल इनफील्ड का ऑयल फिल्टर होगा, रॉयल इनफील्ड का एयर फिल्टर होगा, सब मिला के 1200। 1200 रुपये काम करो, आओ सामान दिखा देता हूँ। मोटुल का डालो, मोटुल का ही ठीक है। यहीं खड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ। मोटुल ये देख, रॉयल इनफील्ड का है ये, जेन्युइन पार्ट्स रॉयल एनफील्ड। ये ना तेल ना मेरे को वापस दे देना। कौन सा ये भाई, आ दो यार, दिखा दो एक बारी। गाड़ी ऐसे हिलाते हो ना, तो देखने का तरीका है, जब आप गाड़ी को हिलाओगे ये देखो इंडिकेट करते हैं, हाँ दिख तो रहा है, समझे, बस यही है। और बोलने चलिए, क्या हो गया बताना, फिल्टर हो गया, हाँ फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर, हाँ तीन सामान चेंज हुआ, ऑयलिंग पूरी गाड़ी हो गया, बीच ब्रेक का तेल चेक हो गया पूरा, इसका पीछे का रियर ब्रेक का भी चेक हो गया पूरा। गाइस सर्विस हो गई डन, हमने सर्विस बाहर इसलिए कराया, कभी हम बाहर सर्विस कराते नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे साथ। स्टोरी आप लोगों को सारा प्रॉपर बता दिया है, जहाँ आपको बता दूँगी सर्विस सेंटर गया था, वहाँ प्रोसेस एक्चुअली स्लो हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के चक्कर में, तो काफ़ी टाइम इंतज़ार किया मैंने, इंतज़ार करने के बाद भी सर्विस हुआ नहीं, मतलब उन्होंने डेट दी कि डेट को आना, लेकिन हमारे पास टाइम है कम, क्योंकि हमारा जितने किलोमीटर पर सर्विस होनी चाहिए उतना प्रॉपर किलोमीटर हो गया है। लास्ट सर्विस 14,000 किलोमीटर पर कराई थी, अभी 17,000 किलोमीटर क्रॉस कर गया है, तो फिर सर्विस ज़रूरी था कराना, हमें आज ही कराना था, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि अपनी आंखों के सामने सर्विस कराएंगे। आप बाहर भी सर्विस करा सकते हैं अगर आप अर्जेंट बेसिस पे करा सकते हैं, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, क्योंकि मैं बाहर कराता नहीं हूँ, लेकिन बाहर मैंने कराया तो फिर देखिए जेन्युइन पार्ट देखा है मैंने, रॉयल एनफील्ड का फ़िल्टर लगवाया है, और रॉयल एनफील्ड का मैंने ऑयल नहीं चेंज किया, क्योंकि मैं ये प्रेफर करता हूँ मोटुल का इंजन ऑयल, मुझे जहाँ तक
काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले, तो मैंने मोटूल का इंजन ऑयल इसमें डलवाया है, रॉयल इनफील्ड का नहीं डलवाया, और मैंने चला के देखा काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो ये ब्लॉग बनाने का मतलब ये था कि आप अपने आँखों के सामने बाहर भी सर्विस करा सकते हैं और जेन्युइन पार्ट देख के कोई इशू होने वाला नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। और अभी मैंने जो सर्विस कराया प्रॉपर काफ़ी अच्छा हो गया। और हाँ, एक और अपडेट है, जो मैंने हेलमेट लिया था, आपने अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो आप पिछला वाला ब्लॉग देख सकते हैं मेरा, वो हेलमेट मैंने चेंज किया। ये देखिए, ये नया हेलमेट है मेरा और इसके ग्राफिक पूरे चेंज हैं। फ़र्क इतना है कि वो जो पुराना हेलमेट था वो साइज़ थोड़ा बड़ा था, मैं पहन के जब देखा बाइक चला के तो बबलिंग कर रहा था, मतलब काफ़ी हिल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैंने मीडियम साइज़ लिया है। मीडियम साइज़ में ये ग्राफिक्स अवेलेबल था। ये देखिए गाइस, फिक्स हो जाता है और प्रॉपर एकदम साइज़ अच्छा है इसका। और हेलमेट कैसा लग रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस ये है, चलिए उतार दिया। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आपको ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसे आपको ब्लॉग इन फ्यूचर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसके ऊपर आप चाहते हैं ब्लॉग बनाना वो भी मैं बनाऊंगा, कैसा लगा वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है ब्लॉग, अगर अच्छा नहीं लगा है तो कोई कमी नहीं गई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।